OTT2 में इस बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अभिषेक मल्हान उर्फ पुकरा इंसान ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। इस शो में इनकी जर्नी काफ़ी शानदार रही और लोगों के सबसे चहेते बने, इसी के साथ लोगों ने उन पर बेहद प्यार लुटाया। लेकिन शो में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अभिषेक ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाए। इस बात का दुख उनके फैंस के साथ साथ उनके घर वालों को भी है। सभी का मानना है कि अभिषेक डिजर्विंग कैंडिडेट। बता दें, अभिषेक कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत शो के दौरान ही खराब चल रही थी, ऐसे में उन्हें शो में भी अस्पताल से लाया गया था। इसी के साथ फैंस यूट्यूबर के जल्दी ठीक होने की दुआ करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कई सेलेब से भी सोशल मीडिया पर उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। इसी के साथ कई सितारे अभिषेक से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बता दें, शो में मनीषा रानी अभिषेक के सबसे ज़्यादा करीब थी और बिग बॉस की सेकंड रनर अप रही। वहीं शो ख़त्म होने के फौरन बाद मनीषा अस्पताल में अभिषेक से मिलने पहुंची और अपने दोस्त के लिए अपना प्यार और सपोर्ट जताया। साथ ही उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हुए मनीषा रानी ने अपने इंस्टा स्टोरी में लिखा, हीरो ऑफ बिग बॉस OTT, तूने बेशक ट्रॉफी नहीं जीती हो, लेकिन तूने पूरे इंडिया का दिल जीता है, मेरे लिए तू ही विनर है। आगे मनीषा कहती हैं, बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है और उसमें सबसे खास तेरे जैसा दोस्त दिया। अगर इस जर्नी में तू नहीं होता तो मेरी जर्नी काफ़ी मुश्किल रहती शायद। इसी के साथ बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे प्रिंस नरूला ने भी अभिषेक से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हुए इंस्टा स्टोरी शेयर की है। इसी के साथ उन्होंने बताया, अभिषेक रिकवर कर रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं। सामने आई फोटो में अभिषेक भी प्रिंस के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। बीते दिन अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनके फैंस को उनका सपोर्ट करने और प्यार देने के लिए थैंक यू कहा गया और माफ़ी मांगते हुए अभिषेक ने बोला कि गाइस सॉरी, मैं ट्रॉफी नहीं ला पाया। अभिषेक ने यह भी कहा कि वो जल्द ही ठीक होकर सबके सामने आएंगे और मीडिया से भी बातचीत करते दिखाई देंगे। वेल, बॉलीवुड से जुड़ी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं प्रज्ञा शर्मा, पंजाब केसरी डेली से। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।